मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई युवा अपनी ईमानदारी के साथ सुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से चयनित होता है तो उसके काम में भी ईमानदारी झलकती है। समर्पण के साथ वह जीवन भर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, लेकिन जब सिफारिश और जुगाड़ से नौकरी मिलती है तो वही कुत्सित भावना भ्रष्टाचार को जन्म देती है। उत्तर प्रदेश में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में सुचिता, ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे प्रमुख तत्व है। जुगाड़ नहीं, योग्यता ही चयन का मानक है। आज जो युवा नौकरियां पा रहे हैं वह योग्य हैं, समर्थ हैं और इस योग्यता और सामर्थ्य का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में नवचयनित 1438 नए जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति एवं पदस्थापना पत्र प्रदान कर रहे थे। धनतेरस के विशेष अवसर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे युवाओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने नवचयनित जूनियर इंजीनियरों द्वारा अपने सेवाकाल में देश समाज की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का विश्वास जताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर 5 नवचयनित अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति और पदस्थापना पत्र प्राप्त हुआ। वहीं विभिन्न जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े चयनित अभ्यर्थियों ने वर्चुअली मुख्यमंत्री का संदेश सुना और स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। सिंचाई विभाग की कार्यशैली प्रेरणास्पद। मुख्यमंत्री ने दशकों से लंबित बाढ़ सागर परियोजना के पूरा होने तक बाढ़ राहत कार्यों का उदाहरण देते हुए पिछले 4.25 वर्ष में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में जिस लगन और ईमानदारी के साथ काम किया है वह अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने नवचयनित अवर अभियंताओं को उनकी महती जिम्मेदारी का आभास भी कराया। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पा रहे अवर अभियंताओं से विभाग को एक नई जनशक्ति प्राप्त होगी और विभाग जनता व कृषकों के प्रति अपने दायित्वों को और अधिक तत्परता से पूर्ण कर सकेगा। इससे पहले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में एक लंबे अरसे से अवर अभियंताओं की भर्ती न हो पाने एवं कार्मिकों की लगातार सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियरों की कमी हो गई थी। विभाग के कार्य प्रभावित न हो इसके लिए सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 1438 जूनियर इंजीनियरों का चयन किया गया। इसके पूर्व गत वर्ष 394 सहायक अभियंताओं तथा 149 सहायक अभियंता यांत्रिक की भर्ती भी विभाग में इसी प्रकार निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी। महिला सशक्तिकरण अभियान को सार्थकता देते हुए दिसंबर 2018 में 73 महिला जूनियर इंजीनियरों की विशेष भर्ती भी विभाग में की गई। जल शक्ति मंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश ने मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित जनों को चयनित की सुचिता और पारदर्शिता के बारे में विधिवत जानकारी दी। मिली है मनचाही जगह पोस्टिंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए चयनित 1438 अभ्यर्थियों को मनचाहे जनपद में तैनाती मिली है। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों को लखनऊ में आमंत्रित कर रिक्त पदों के पूरे विवरण से अवगत कराया और मेरिट के क्रम में उनकी पसंद के आधार पर तैनाती दी गई। सफल अभ्यर्थियों ने कहा, उम्मीद नहीं थी बिना जुगाड़ के नौकरी के लिए, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े सफल अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से 10 अवर अभियंताओं से नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में पूछा। टापर सीतापुर के आशुतोष सिंह से मुख्यमंत्री ने पूछा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में उन्होंने किसी तरह की सिफारिश या अन्य कोई जुगाड़ तो नहीं लगाया। इस पर आशुतोष ने जुगाड़ से इनकार किया और बताया कि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से हुई है। वहीं महिला वर्ग में टापर गोरखपुर की संध्या कन्नौजिया ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि जिस तरह ईमानदारी और सुचिता के साथ उन्होंने नौकरी पाई है, पूरे सेवाकाल में वह स्वयं के कार्य व्यवहार में यही ईमानदारी बनाए रखेंगी। वाराणसी निवासी राजेश कुमार पटेल, जिन्हें मनचाहे जनपद सोनभद्र में तैनाती मिली है, ने पारदर्शी ढंग से नियुक्ति पाने पर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद दिया। तो ललितपुर में तैनाती पाने वाले झांसी निवासी राजेश उपाध्याय से मुख्यमंत्री ने मनचाही नौकरी मनपसंद जिले में पाने पर बधाई दी। मेरठ निवासी राशिद अली ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुचिता के साथ चयन और पदस्थापना में हमारी पसंद जानना अद्भुत है। कानपुर की कुसुम दुबे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें मनपसंद जिला प्रयागराज में तैनाती मिली है। सिफारिश के बारे में पूछे जाने पर कुसुम ने कहा कि कहीं किसी से किसी भी तरह से जुगाड़ या सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ पारदर्शी ढंग से हुआ है। प्रयागराज से राकेश कुमार सरोज को मुख्यमंत्री ने दीप पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक रूप से दिव्यांग राकेश की सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। राकेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए आभार ज्ञापित किया। बरेली निवासी उमेश और रामपुर के रहने वाले अजय कुमार ने अपने परिवार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
सहारनपुर निवासी राधेश्याम सैनी ने मुख्यमंत्री से बताया कि उनकी पहली नियुक्ति हरिद्वार में हुई है, यह उनके लिए अपार खुशी का अवसर है। आयोग द्वारा चयनित हमारे अवर अभियंता नियुक्तियों पदस्थापना कार्यक्रम के इस प्रमाण पत्र वितरण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की चतुर्दिक विकास में गति प्रदान करते हुए गरीबों की हर पल जिनकी चिंता रहती है, किसानों के मसीहा और हर क्षेत्र में जिन्होंने अद्भुत कार्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस लौटाने का काम किया है, ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। हमारे ऑनलाइन जुड़े मंत्री आदरणीय श्री बलदेव औलख जी और आदरणीय श्री विजय कश्यप जी और सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण और विधायकगण, सांसदगण, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी वेंकटेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री नवनीश सहगल जी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी, हमारे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी और विभाग के सभी अधिकारीगण और इस ऑनलाइन जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जिन अवर अभियंताओं का चयन हुआ है, ऐसे सभी नव चयनित अवर अभियंतागण। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज धनतेरस का दिन है, बहुत बड़ा दिन है और मुझको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी, इसके पहले हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग में इस पद्धति के माध्यम से अपने नव चयनित लोगों को नियुक्ति और पदस्थापना प्रमाण पत्र आपके कर कमलों के द्वारा राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में, जब आपने ग्राम विकास अधिकारियों और बीडीओ आदि को प्रमाण पत्र वितरित किया था। लोग कहते हैं योगी है तो यकीन है, एक भरोसा, एक विश्वास है, एक पारदर्शिता, एक निष्पक्षता की, और उस आधार पर आज सबका चयन किया गया। पदस्थापना के लिए हम लोगों ने बुला कर निष्पक्षता के आधार पर किया है और उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इन जो नौ चयनित हमारे अवर अभियंता हैं, इनके जीवन के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है कि ये निष्पक्षता के आधार पर इनका चयन, पारदर्शिता के आधार पर इनका पदस्थापन और धनतेरस के अवसर पर आपके कर कमलों द्वारा इनको आज प्रमाण पत्र मिलेगा। मैं समझता हूं कि इनके जीवन का शुभारंभ भी बहुत सुखद क्षणों में हो रहा है। निश्चित रूप से विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहेगा। निश्चित रूप से हम सब लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और पूरे भारत के अंदर, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में नंबर एक के स्थान पर है, वैसे ही हम जल शक्ति विभाग को भी भारत में नंबर एक के स्थान पर इन सब लोगों के सहयोग से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण आशीर्वाद देने के लिए हमारे विभाग के लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा इसी तरीके से हम सब लोगों को प्राप्त होती रहेगी और निश्चित रूप से हम लोग और अच्छा करके अपने विभाग को और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए ना, एक तरह जाए लेते जाएंगे। विनय कुशवाहा, आओ जी, आइए। अभिनंदन आपका। कहाँ आपको पोस्टिंग मिली है? बहराइच। बहराइच में, ठीक है। चलिए, दूसरा आपने मोहम्मद हबीब, श्री मोहम्मद हबीब। आओ जी, आपको कहाँ मिला है? सीतापुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। बहुत सुंदर, बधाई। श्री नवनीत सिंह, आओ जी। कहाँ आपको मिला है? हरदोई। रहने वाले कहाँ के हैं? लखनऊ के। बहुत सुंदर। सुश्री साधना चंदन, आइए जी। कहाँ घर है आपका? सर, लखनऊ। लखनऊ के। कहाँ नियुक्ति मिली है? प्रयागराज जा रहे हैं आप, हैं? बहुत सुंदर, बधाई। सुश्री गायत्री मोदी, आइए जी। कहाँ घर है आपका? लखनऊ। लखनऊ का। कहाँ पोस्टिंग मिली है? रायबरेली में। बहुत सुंदर, बधाई। सीतापुर, ये टॉपर है। सर, ये टॉपर है।
सबसे पहला इन्होंने ही चॉइस किया जनपद सीतापुर, तो वहाँ पे आशुतोष सिंह जी हैं। नमस्ते आशुतोष जी, आपको पहले तो बधाई कि आपने जो है लोक सेवा आयोग की जो ये परीक्षा आयोजित हुई थी जूनियर इंजीनियर की जल शक्ति विभाग की, इसमें आप टॉपर बने हैं और आज धनतेरस के दिन आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मेहनत का परिणाम हमेशा मिलता है, ये आपको एहसास हो रहा होगा ना? जी सर। आपको आपको जो है परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय कहीं कोई लेन देन की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया सर हुई है सर, आपके आपके गाइडेंस में सर। कोई सिफारिश की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी? नहीं सर, बिल्कुल सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी सर। देखिए यही है, यही स्थिति है। व्यक्ति जब अपनी मेहनत पे विश्वास करता है तो आपकी मेहनत का ये परिणाम है कि आपको जो है, एक तो आपने लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और अपनी प्राथमिकता के आधार आज आपको आपका चयनित जनपद भी प्राप्त हो रहा है, और धनतेरस के दिन यह उपलब्धि किसी को मिल जाए तो जीवन का एक स्वर्णिम क्षण उसके जीवन का होता है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को, सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या कनौजिया है सर, ये महिला में वरिष्ठतम रैंकर है, उसका टोटल रैंक 24 है, जनपद गोरखपुर। संध्या कनौजिया गोरखपुर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, गोरखपुर बोल रहा हूं सर, हमारे साथ संध्या कनौजिया जी ने बात करी। गोरखपुर। नमस्कार सर। हां नमस्ते संध्या जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा आपको? आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं नहीं सर, किसी तरह किसी चीज की जरूरत। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है और इसमें मुझे अपने मनपसंद जिले में जाने का अवसर प्राप्त। देखिए बहुत सुंदर, एक तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके माताजी पिताजी होंगे, भाई बहन होंगे, सभी लोगों को, कि देखिए आपकी मेहनत से आज आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा में आपने महिलाओं के उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। टोटल जो रैंकिंग है उसमें 24वां स्थान आपका आया है, एक उपलब्धि आपके नाम पर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और निष्पक्ष तरीके से धनतेरस के दिन आपको ये उपलब्धि प्राप्त हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप अभी बताइए, क्या आप लोग ठीक ढंग से काम करेंगे इसी निष्ठा के साथ, इसी तन्मयता के साथ और इसी प्रतिबद्धता के साथ जो शासन ने जो एक माहौल आपको दिया है, आपके पूरे जो सहयोगी आज चयनित हो रहे हैं, इन सभी लोगों को जो ये अवसर मिला है, क्या आप लोग भी इसी प्रकार का एक माहौल पूरे विभाग के अंदर देंगे? जी सर बिल्कुल, जिस निष्पक्ष तरीके से हमें ये नौकरी दी गई है उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें, और आपके द्वारा आपके गाइडेंस में जो हमें कहा जाएगा हम उसका पूरा पूरा ध्यान रखें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको, और धनतेरस और दीपावली की भी मंगलमय शुभकामनाएं। राजेश कुमार पटेल सर, वाराणसी। वाराणसी से। नमस्कार सर, सीडीओ बोल रहा हूँ सर, हमारे साथ माननीय विधायक जी अवधेश जी हैं, मैं राजेश पटेल से बात कर रहा हूँ। नमस्ते राजेश जी, बैठिए आप, आराम से बैठिए आप बैठिए। मुझे एक बात बताइए कि आपका चयन की प्रक्रिया के साथ आप जुड़े हैं, कौन सा जिला आपको मिला है?
सोनभद्र मिला है, और आपका रहने वाले वाराणसी के हैं? सर वाराणसी से। बहुत सुंदर। एक तो आप सौभाग्यशाली हैं कि काशी में आप पैदा हुए हैं, और काशी में आज आपको वहां के जनप्रतिनिधियों के हाथों से नियुक्ति पत्र भी प्राप्त होगा वहां पे, और आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जल शक्ति विभाग के जो इंजीनियर पद पर आज आपका चयन हो रहा है, और सोनभद्र जनपद में आप जा रहे हैं। आपको क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? सर बिल्कुल नहीं सर, वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, और बहुत निष्पक्षता पूर्ण से अलॉटमेंट की भी जो प्रक्रिया रही बहुत अच्छी रही, बुला करके लखनऊ में हर चयनित अभ्यर्थियों से उसके अमन पसंद जहाँ भी चाहिए था अलॉट किया गया, ये बहुत सुंदर लगा, और आपके गाइडेंस में नेतृत्व में अपना जो भी हमारा करेंगे। देखिए सोनभद्र जिले में जा रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण जिला है हमारे लिए। सोनभद्र जिला ऐसा जिला है जिसका कई राज्यों से सीमाएं मिलती हैं, और जल शक्ति विभाग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जनपद है हमारे लिए, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है सोनभद्र। तो आप लोग इसी प्रतिबद्धता के साथ वहां कार्य करेंगे? सर बिल्कुल पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तो सर आज आप हम लोगों से बात करके जो भी आपका गाइडेंस में आपके नेतृत्व में मार्गदर्शन में और आशीर्वाद जो भी मिल रहा है उसके साथ हम आगे भी अपना कार्य पूरी निष्ठा से करेंगे सर। चलिए बहुत बहुत राजेश जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, और धनतेरस और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। राहुल उपाध्याय झांसी। राहुल उपाध्याय झांसी। नमस्कार सर, सीडीओ झांसी बोल रहा हूं। सर हमारे साथ श्री राजीव सिंह परीक्षा जी विधायक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और राहुल उपाध्याय जी नव चयनित अभ्यर्थी आपसे बात करेंगे। राहुल जी, जी सर। कैसे हैं आप? जी सर बहुत अच्छे हैं सर। नमस्ते आपको भी, और आपके हमारे वहाँ पे माननीय विधायक गण हैं, अन्य अधिकारी गण हैं। तो आपने देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई थी, इस परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त की है। आप रहने वाले झांसी के ही हैं? और आपको जो है कहाँ, आप कौन जनपद मिला है? तो आपका तो बगल में ही मिल गया है। yes, मन पसंद जिला। क्या मनपसंद नौकरी के साथ साथ जिला भी मनपसंद का मिल गया, इसके लिए कोई सिफारिश कोई लेन देन तो नहीं करना पड़ा था? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वहां पे इसके लिए दिखाया जा रहा था। हाँ हाँ, कितनी वैकेंसी बची हुई है, आपको कौन सा जिले का कौन सा डिवीजन चाहिए? ऐसा तो नहीं कि आप जो है राजीव परीक्षा जी को लेकर के या जवाहरलाल राजपूत जी को लेकर के जा करके जगह जगह कार्यालयों में भटक रहे होंगे? नहीं नहीं सर बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा सर, आसानी से हो गया। देखिए जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना, तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। योग्यता, क्षमता और अवसर सबको समान रूप से देने का एक प्रयास होता है, और उसका परिणाम होता है कि समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है, और व्यवस्था के साथ बराबर का भागीदार बनता है। और ये अवसर आज आपके जीवन में भी आया है कि झांसी में, और नहीं तो कोई भ्रष्ट सरकार होती तो पहले तो नियुक्ति की प्रक्रिया में आप जैसे योग्य लोग छंट गए होते, अलग हो गए होते, कहीं चयन नहीं होता। दूसरा, जिस किसी का भाग्य देता भी वो किसी प्रकार से पा भी जाता तो उसके बाद क्या स्थिति होती कि वहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के भी फिर कार्यालयों में बाबुओं के चक्कर लगाते लगाते जूते चप्पल घिस जाते, अंत में व्यक्ति बोलता है यार इससे अच्छा तो घर ही में रह कर काम कर लूँ अपना। तो ये स्थिति दोनों से अलग हट करके तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया भी, और बाद में पदस्थापना की प्रक्रिया को भी जिस पारदर्शी तरीके से विभाग ने अपनाया है,
ये वास्तव में इसका श्रेय जनता को जाता है और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को, जिनको विधायक के रूप में आप लोगों ने चुना है, इनकी मेहनत को जाता है कि आज इस प्रकार की व्यवस्था हम देने में सफल हो पाए हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको और आपके परिवार के लोगों को, कि देखिए एक उपलब्धि आपने हासिल की और इस उपलब्धि के बल पर आप लोग इसी प्रकार की मेहनत करके प्रदेश के अंदर परिणाम भी देने का कार्य करेंगे। मैं आपको धनतेरस की और दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं भी। राशिद अली मेरठ सर, मेरठ। नमस्कार सर, सीडीओ मेरठ बोल रहे हैं सर, हमारे साथ राशिद अली हैं सर, बात कर। नमस्कार सर। नमस्ते जी राशिद अली जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। yes, sir. तो आपका जो है चयन हुआ है, तो इस चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो चयन के लिए मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपके सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए। देखिए योग्यता कोई आधार बनाया गया ना, बिल्कुल सर, योग्यता के आधार। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कोई चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं, नहीं सर। और यही सरकार की नीति भी है कि हम लोग मनुष्य मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और समान अवसर लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और जब भी कोई चुनी गई सरकार आती है, उसका दायित्व बनता है कि वह किसी के साथ कोई भेदभाव न करें और किसी भी अपने नागरिक की, अपने युवा की ऊर्जा का भरपूर उपयोग प्रदेश के विकास में, देश के विकास में लें। और आप जैसे योग्य लोग जब चुन करके जाएंगे, तो आपने पूरी प्रक्रिया को देखा होगा किस ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी चयन की प्रक्रिया हो रही है। आपको आपने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी होगी, उसमें सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इंटरव्यू में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। फिर उसके बाद चयन की प्रक्रिया के बाद पदस्थापना के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त होने हैं, इसके लिए भी कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये चीजें जन विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें अगर आप जैसे लोग अपने समाज के लोगों को बता पाएंगे कि हमें इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, अपने मन में हताशा निराशा लेने के बजाय हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए कि योग्यता क्षमता अपने को, देखिए हर व्यक्ति योग्य बन सकता है, और उस योग्यता के अनुरूप अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो सफलता प्राप्त की है, आपको मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। कुसुम दुबे सर, कानपुर नगर, ये भी हाई रैंकर है सर, 34 रैंक है। कुसुम दुबे कानपुर। नमस्ते कुसुम जी, कैसी हैं आप? देखिए आपको सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि महिला होने के बावजूद आपने जो है काफी अच्छा रैंक प्राप्त किया है, 34वां रैंक है आपका पूरी परीक्षा में, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा संपन्न हुई थी इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की, इसमें आपने ये रैंक प्राप्त किया है। आपको कौन सा जिला मिला है? प्रयागराज जा रहे हैं आप, हैं यानी गंगा मैया को आप कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक सीधे जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई पहले चयन के लिए, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। आप मुझे ये बात बताइए कि आपने कहीं कोई सिफारिश करके आवश्यकता तो नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहीं किसी की सिफारिश ऐसा नहीं कि मंत्री जी को लेकर कहीं गई होंगी? जहाँ जिला मिला है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ।
नहीं, बहुत बहुत देखिए धन्यवाद तो हम देंगे कि आप जैसे योग्य इंजीनियर हमें मिल रहे हैं और हम लोगों को आप लोगों की जो जनशक्ति है इसके कारण हम जल शक्ति विभाग को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी और इससे लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य हो पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे इंजीनियर विभाग को मिल रहे हैं एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, योग्यता और क्षमता के साथ ही उन्हें समान अवसर भी उन्हें प्राप्त हों। उस अवसर ये जो कार्य प्रारंभ हुआ है ये तभी संभव होता है जब जनता जागरूक होती है, अच्छे लोगों को चयन करके भेजती है और चयन की प्रक्रिया के साथ फिर इस बात को स्वयं अपनी आंखों से देखती है कि कैसे उनके साथ न्याय केवल भाषणों से नहीं बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी और न्याय किस रूप में दिखाई दे रहा है। ये चीज़ इसी रूप में देखने को मिल रही है। और मैं आपको देखिए, एक महिला होने के नाते आपने जो मेहनत की, जो रैंक प्राप्त की और आज लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में सफलतम अभ्यर्थी के रूप में अच्छी रैंक प्राप्त करने के साथ ही मनपसंद का जनपद भी आप प्राप्त कर रही हैं, इसके लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धनतेरस और दीपावली की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। राकेश कुमार सरोज, प्रयागराज। नमस्ते राकेश जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। देखिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को सबसे पहले तो बधाई और बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप अनुसूचित जाति के साथ ही दिव्यांग भी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारा और आज इसका परिणाम है कि आपने शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन की इस प्रक्रिया में भाग लिया और आज एक सफलतम अभ्यर्थी के रूप में इंजीनियर बन करके जल शक्ति विभाग में अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता का उपयोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए बधाई। आप मुझे बताइए कि आपको कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं सर। तो पारदर्शिता के साथ जो है हम लोग का सिलेक्शन हुआ। हाँ। और हर लोगों को मनचाहा अलॉटमेंट मिला और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग जो है आपके कार्यकाल में कितने सालों से बाद लंबी चल रही इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई। हाँ। और हम लोग बहुत ही खुश है कि हम लोगों को जो है इतनी जल्दी आपके छत्रछाया में हमें जो है ज्वाइनिंग मिल रहा है। बहुत हर्ष की बात है कि आज धनतेरस के शुभ अवसर। हाँ, धनतेरस के अवसर पर शुभकामनाएं मिल रही हैं। जो है बहुत खुशी का दिन है। हम लोग चयनित सभी जूनियर इंजीनियर आपको सादर कोट कोट जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। अब देखिये, हमारे पास तो नियुक्ति पत्र ही देने के लिए था तो हमने कहा धनतेरस पे नियुक्ति पत्र ही दे देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को नियुक्ति पत्र हमारे विधायकगण दे रहे हैं तो इसलिए जो है मैंने कहा यहाँ से शुभारंभ अब कर लेते हैं। बाकी जो है हमारे सांसद और विधायकगण जनपद स्तर पर, हमारे मंत्रीगण सभी अलग अलग जनपदों में गए हैं, वे सभी लोग वहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। राज्य कार्य यहाँ पर हो रहा है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। उमेश पाल सिंह, बरेली। बरेली। उमेश जी बैठे, आप बैठे, आराम से बैठे, कुर्सी में बैठ के बोलिए भाई। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठे, आप आराम से बैठे, आराम से बैठे। उमेश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। आपको और देखिए आपको बधाई मैं दे रहा हूं इस बात की कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें आप सफल हुए हैं और सफलतम अभ्यर्थी के रूप में आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ साथ पदस्थापना का भी पत्र वहां पर हमारे माननीय विधायक के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आपके परिवार में सभी लोग खुश हैं ना? जी सर, बहुत खुश है।
नहीं, बहुत सुंदर है, आपकी योग्यता आपकी क्षमता और माँ बाप के संस्कारों का परिणाम है। तो आपके इसका वास्तव में इसका श्रेय आपको जाता है और आपके माताजी पिताजी को जाता है जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए उस प्रकार का, आपके गुरुजनों को जाता है जिन्होंने इस प्रकार का संस्कार इस प्रकार का माहौल आपको उपलब्ध कराया है। सरकार तो एक निमित्त मात्र है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। अच्छे लोगों को आप लोगों ने चयन करके भेजा है तो अच्छी प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है। ये सब परिणाम इसीलिए आते हैं जब अच्छे लोग चुनाव चुन करके जाते हैं। अगर गलत और भ्रष्ट लोग जल्द चले जाएंगे तो उसमें अच्छे लोग दरकिनार हो जाते हैं और गलत लोग जाते हैं, पूरी व्यवस्था फिर उसी गंदगी में अपने आप को जो है कुंद महसूस करती है। लेकिन आप लोगों ने अच्छे लोगों को चुन के भेजा है, उसका परिणाम है कि सरकार भी अच्छा कार्य करने के लिए पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। और पूरी सरकार जब कार्य करती है, विधायक गण, मंत्री गण, सरकार प्रशासन सभी लोग मिलते हैं, तब एक अच्छी व्यवस्था सामने मिलती है और आप जैसे योग्य लोगों को तब एक समान अवसर के साथ आगे बढ़ने और अपनी पूरी प्रतिभा और ऊर्जा के साथ समाज को लाभान्वित करने का, कराने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। आपको कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी नियुक्ति प्राप्त करने को लेकर के, किसी भी अन्य उसको लेकर के? बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली और धनतेरस की मंगलमय शुभकामनाएं। अजय कुमार रामपुर। नमस्कार सर, सीनियर रामपुर बात कर रही हूँ। नमस्ते जी, हमारे साथ अजय कुमार जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं सर? ठीक है बिल्कुल। आपका जो है रामपुर में, आपका रामपुर के आप रहने वाले हैं? जी रामपुर के रहने वाले हैं। रामपुर के रहने वाले हैं तो वहाँ पे आपने सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को पहचानते हैं आप? हैं अच्छा, बिलासपुर का ही है। अच्छा, आपने अपना वोट कम कर दिया क्यों अजय कुमार जी? आपने धमकी तो नहीं दी थी कि सरदार बलदेव सिंह ओलख से जो है मैं रामपुरी चाकू से धमकी दिलवा दूंगा? सब काम ईमानदारी के साथ हुआ है ना? जी बिल्कुल, लखनऊ में बुलाकर कोई पूछ के ये सिलेक्शन हुआ है सभी का। नहीं, लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान कोई धांधली की शिकायत तो नहीं आई थी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष हुआ था ये सब। सभी निष्पक्ष तरीके से सारे कार्य संपन्न हुए? ठीक है। देखिए, आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होने के बावजूद भी आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जूनियर इंजीनियर की इस परीक्षा में स्थान प्राप्त किया, आपका सफलतम चयन हुआ और आज आपको नियुक्ति पत्र देते हुए पदस्थापना की भी व्यवस्था यहाँ पर एक साथ हमारे मंत्री ओलख जी के द्वारा आपको रामपुर में की जाएगी। यहाँ पे लखनऊ में मैंने और विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए है और मुझे लगता है कि आप जैसे ऊर्जावान नौजवान समाज को इसी तरीके से प्रेरित करते रहेंगे तो आप बहुत सारे लोग इससे प्रेरित और प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि हाँ, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, व्यक्ति मेहनत करेगा तो परिणाम उसके सामने जरूर आएगा। और आज ये परिणाम आपके सामने वहाँ पर है। आपको मैं और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूँ। नमस्ते जी, राधेश्याम जी, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं? यस सर।
तो सहारनपुर से आप रहने वाले हैं, तो आपने जो है लोक सेवा आयोग की जो ये परीक्षा थी जूनियर इंजीनियर की, इसमें अपने सफलता प्राप्त करने के बाद आज आपको नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है, हमारे विधायक वहाँ प्रदान करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। कौन जिला आपको मिला है? सर हरिद्वार। हरिद्वार, वाह जी सर। बताओ लोग हरिद्वार जाने के लिए तरसते हैं, आपको पहले जीवन की पहली पोस्टिंग हरिद्वार के लिए मिल, हरिद्वार में मिल गई है। सर इसके लिए मुझे बहुत खुशी है सर, और आपका आशीर्वाद है सर ये। तो बहुत सुंदर, मेहनत से काम करेंगे ना वहाँ पे? सर पूरी लगन से, जीरो टॉलरेंस के साथ, जिम्मेदारी के साथ। ये बताइए कि आपको सिपाही से ब्रजेश जी से और ये देवेंद्र जी से सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी नियुक्ति के लिए? हाँ देखिए, ये चीज इसलिए हो पाई है कि अच्छे लोग आप लोगों ने चुने हैं। अच्छे विधायक जब चुनते हैं, अच्छे सांसद जब चुनते हैं, अच्छे विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि चुन करके अच्छी सरकार का गठन करते हैं, और अच्छी सरकार जब चुनती है तो वह अच्छा कार्य करती है, हर एक प्रतिभाशाली छात्र छात्रा को आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करती है, और उस प्रकार का माहौल बनता है जिसमें सिफारिश के लिए नहीं बल्कि योग्यता क्षमता के अनुसार समान अवसर हर एक तबके को प्राप्त हो सके, यह एक अवसर प्राप्त होता है। और देखिए पहले सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सहारनपुर छंट जाता था, वो दो चार जगह तक ही सीमित होकर रह जाता था, सहारनपुर के बेचारे नौजवान छंट जाते थे। आज पुलिस की भर्ती होती तो सहारनपुर के नौजवान, बागपत के नौजवान भी उसमें बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में, हर एक परीक्षा में सहारनपुर में बड़ी संख्या में हमारे नौजवान वहां से इस परीक्षा में आज पास होकर के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये उपलब्धि है, और मैं आपको आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और धनतेरस और दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतनी सदृढ़ता के साथ नव चयनित और अभिनेताओं के साथ जिस तरीके से बातचीत किया है, इनका उत्साह वर्धन किया है, निश्चित रूप से इनके सबके जीवन में सफलता के नयायाम प्राप्त होंगे, जीवन में भी प्रकाश आएगा और उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम करेंगे, आपकी प्रेरणा प्राप्त होगी। अब मैं आपसे सादर अनुरोध निवेदन करता हूं कि आपके आशीर्वचन हम सब को प्राप्त हो, आप आशीर्वाद देने की कृपा करें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जूनियर इंजीनियर के पदस्थापना कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वर्चुअल मेरे साथ जुड़े हुए विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलक जी, विजय कश्यप जी, सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, मान्य सांसदगण, मान्य विधायकगण, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश शासन के सभी हमारे अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण, जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, जनपद स्तर पर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, और चयनित हमारे सभी 1438 नए इंजीनियर्स, मैं सबसे पहले आप सबको लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण विभाग में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे धनतेरस के दिन विभाग ने अपने जल शक्ति विभाग को 1438 नए इंजीनियर देने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। मैं विभाग का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने इन सभी 1438 नए
चयनित जो हमारे अभियंतागण हैं इन सब का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन सब को धनतेरस और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में मेरी शुरू से ये मान्यता रही है कि हमें प्रदेश के अंदर योग्य जो हमारे तकनीशियन हैं इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के विभागों की पूरे कायाकल्प की एक योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम लोगों ने प्रदेश के सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग का नाम बदल करके जल शक्ति विभाग किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये जल शक्ति, यह जनशक्ति उस जल शक्ति का प्रतीक बन सके, इस दृष्टि चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से करवाना और चयन की प्रक्रिया के बाद जो सफलतम अभ्यर्थी हैं इन सभी को उनके योग्यता के अनुरूप, उनके स्वयं की प्राथमिकता के अनुरूप जनपदों में तैनाती भी प्राप्त हो सके, इस एक प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, 1438 नए अभियंता किसी एक विभाग में एक दिन में उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापना का कार्यक्रम आयोजित हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बड़ा विभाग है जल शक्ति विभाग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश के अंदर हर किसान के खेत में अधिक से अधिक पैदावार हो सके, इस दृष्टि से उसके खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था का हो या फिर बरसात में बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा से बचाव का हो, ये सभी कार्य जल शक्ति विभाग प्रदेश के अंदर कर रहा है। और मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान, मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तो पहले वर्ष बाढ़ के कारण हमारे लगभग 38 जनपद प्रभावित हुए थे और व्यापक पैमाने पे वहाँ पे जनधन की हानि भी हुई थी, लेकिन समय के साथ विभाग ने अपनी कार्य पद्धति में बदलाव लाया, तकनीक का उपयोग किया। जहां पे नदियों की कटान हो रहे थे वहां पर ड्रेसिंग की नई पद्धति को अपना करके व्यापक पैमाने पर नदियों को चैनलाइज करने का भी कार्य किया। वर्षों से पड़ी भी परियोजनाओं को, जो लंबित परियोजनाएं थी, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा किया और आज उसका परिणाम है कि व्यापक सुधार देखने को मिला है विभाग में। मुझे याद है हम लोगों ने 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिर्जापुर में बाणसागर परियोजना का शुभारंभ किया था। बाणसागर परियोजना 1973 में योजना आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। 1979 में इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कर कमलों से संपन्न हुआ था, लेकिन तब से अधर में लटकी हुई थी। सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली इस प्रकार की परियोजनाओं को हम पूरा कर सकें।
और उसका परिणाम क्या था कि पैसा भी खर्च होता था, कार्य भी नहीं हो पाता था और किसान भी समय पर इसका लाभ नहीं ले पाता था। एक वर्ष के अंदर पूरी धनराशि हम लोगों ने दिया, विभाग ने समयबद्ध ढंग से काम किया, बाणसागर परियोजना पूरी हुई, किसान भी और खेती भी इससे लाभान्वित हुई। प्रदेश सरकार के साथ एक उपलब्धि जुड़ी कि बाणसागर की परियोजना हमने पूरी कर दी। इसी प्रकार से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी लगभग एक दर्जन परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से विभाग ने पूरा करने का संकल्प लिया और विभाग युद्ध स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। पहाड़ बचाव में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तकनीक का उपयोग भी हम करेंगे लेकिन साथ साथ विभागों को पूरी क्षमता के अनुरूप मैन पावर भी उपलब्ध करवाएंगे और विभाग ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और उनके दोनों सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलक और विजय कश्यप जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने विभाग के इस कार्य पद्धति को आगे बढ़ाया है। दूसरा, सिंचाई विभाग में तो विभागीय कार्य पद्धति पर भी प्रश्न खड़े होते थे पहले और ट्रांसफर पोस्टिंग का भी बहुत बड़ा खेल खड़ा होता था। इस पर विराम लगाते हुए पूरी पारदर्शी तरीके से जो एक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, अन्य विभागों के लिए भी प्रेरणादायी है कि पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से व्यक्ति की योग्यता उसकी क्षमता के अनुरूप उसको कार्य दिया जाएगा और ये कार्य विभाग ने जो प्रारंभ किया है आज उसका परिणाम है कि हर एक कार्य एक स्पीड के साथ विभाग के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विगत वर्ष ही हम लोगों ने विभाग के 543 जो यही थे उनके चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया था और इसमें भी 73 तो महिलाएं थी। आज वे अपना अपना कार्य अपने अपने फील्ड में कर रही हैं और आज 1438 जूनियर इंजीनियर का सफलतम चयन के बाद पदस्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मैन पावर आपके पास आई है, ये जो जनशक्ति विभाग के पास आई है, ये जल शक्ति विभाग की ताकत को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। धनतेरस के अवसर पर नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना और हमारे माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मंत्रियों के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया है वह अत्यंत सराहनीय है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जो भी हमारे चयनित अभियंतागण हैं इन सभी को मैं हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। धनतेरस और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होना और पदस्थापना के लिए जिस पारदर्शी व्यवस्था के साथ सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, इसी पारदर्शी तरीके के साथ जीवन भर पूरे विभाग की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने में आप सब एक टीम वर्क के रूप में विभाग के अंदर काम कर पाएंगे। आप सब के प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।